अगर आप भी एनसीआर में किसी बालकनी वाले मकान में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। गाजियाबाद के विक्रम एनक्लेव इलाके में एक ऐसा हादसा हुआ है जो दिल दहला देने वाला है। दरअसल इलाके में तीसरी मंजिल पर रहने वाली सरवती देवी ने बालकनी में कपड़े सुखाए हुए थे। इस दौरान हवा चलने पर एक तौलिया उड़ गया और वह बिजली की तार पर जाकर लटक गया। सरवती देवी ने आधे गीले बाइपर से बिजली की तार पर लटक रहे तौलिये को उतारने की कोशिश की, जिसकी वजह से उन्हें भयंकर करंट लगा और वह 40% तक झुलस गई। इस दौरान उनकी 16 वर्षीय पोती भी साथ थी, जो कि इस हादसे में बाल बाल बच गई। सरवती देवी का इलाज साहिबाबाद के वर्तमान अस्पताल में चल रहा है। उनके इलाज में लगे डॉक्टर मयंक जैन का कहना है कि सरवती देवी 40% जल गई है, जबकि उनकी पोती बाल बाल बच गई है। डॉक्टर मयंक ने सलाह दी कि कभी भी किसी बिजली की तार को किसी भी वस्तु से टच करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, यह जानलेवा साबित हो सकता है। जिस बाइपर से सरवती देवी ने तौलिया उतारने की कोशिश की थी उसमें भी नमी थी, जिसकी वजह से हादसा हुआ। सर, ये जानना चाहेंगे कि एक बुजुर्ग महिला, जो ऐसा सुनने में आया है कि एक तौलिया उनके घर का उड़ गया था जो सूख रहा था बालकनी में, और वो बिजली के तार पर पहुंच गया, फिर वो उसे वाइपर से उतार रही थी तो वो घायल हो गई, करंट आ गया। सर, मामले के बाद जानना चाहेंगे और कब वो आपके यहाँ पर एडमिट हुई है, और सर आपकी सलाह क्या है ऐसे मामलों में? 70 वर्षीय एक महिला जो कि एक टॉवल थोड़ा सा सूखा हुआ था, कुछ गीला था, वो घर से उतरकर और जो सामने हाई टेंशन वायर और लो टेंशन वायर है उस पर जा गिरा। असावधानी से उन्होंने उसको एक वाइपर से उठाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि आज की तारीख में ये सलाह दी जाती है कि जो भी आपके घर के आसपास से इलेक्ट्रिक लाइन जा रही है उसको किसी तरह से टच ना करें, किसी भी फॉर्म में आप वाइपर या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें जिसके गीले होने की संभावना है, अगर आप उससे टच करते हैं किसी भी गीली वस्तु को तो वो आपको करंट दे सकती है, जैसा उन महिला के साथ हुआ। वो एक तेज़ इलेक्ट्रिक शॉक था उनको लगा, जबकि उनके उनको अपनी समझ से उन्होंने एक वाइपर जैसी चीज़ जिसमें लकड़ी लगी होती है उससे उसको उतारने की कोशिश की थी, लेकिन नमी होने की वजह से उनको करंट लगा, उसके उनका पूरा बर्न हुआ और इलेक्ट्रिक शॉक उनको हाथ से होते हुए कमर से निकला और एक 40% वो बर्न एक हमारी कैटेगरी में आया। तो ये सावधानी बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि बहुत सारे घर ऐसे हैं जिनके आसपास से बिजली की नंगी तारें गुजरती हैं, तो वो लोग बिल्कुल करंट इस तरह से सावधान रखें कि कपड़े फैलाते हुए या कपड़े डालते हुए उनको टच ना हो, उनसे थोड़ा दूरी बनाए रखें। ये सभी के लिए मेरा एक आग्रह भी है कि इस तरह के तारों से, इस तरह की चीज़ों से दूर रहा जाए। सर, ये इनके साथ क्या इनकी पोती भी बताई गई थी? एक छोटी पोती है जो कि उन्हीं के साथ में थी, जिसने अपनी दादी को पकड़ा हुआ था, सौभाग्यवश उसको इतनी ज़्यादा करंट नहीं लगा, लेकिन वो शॉक में गई, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक है। कम से कम मेंटली हर चीज प्रिपेयर होके कट गया तो कोई फायदा नहीं है, पता भी होना चाहिए। और जितने पहले तो मैम ने डॉक्टर इला, हाँ डॉक्टर इला, एक्चुअली मैं अभी डिलीवरी पेशेंट में वो है आज, हाँ 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 यहीं पर है भाई साहब, तो सारा ये तो ऊपर पूरा ऊपर से आज आप आज आए ना? हाँ नहीं नहीं आ ही नहीं पाया क्योंकि जब माता जी का देहांत हुआ था मैं जम्मू था। अच्छा अच्छा, जतिन भी बाहर गया हुआ था। हाँ सर, वो दुख इसका मेरे पास फोन आया, तुम गए क्या? मैंने कहा भाई मैं जम्मू बैठा हूँ, कह रहा ये बड़ा दुर्भाग्य कि मैं यहाँ बैठा हूँ, ये गया था पटना। नहीं क्या नाम है आपका? अनीता। अनीता जी, कैसे करंट लगा और अब क्या क्या लगती हैं आपकी? ये मेरे सासू माँ हैं। हाँ। और वो ये बिरला जेठ जी के पास रहती हैं अम्मा जी, तो कपड़ा गिर गया था तार के ऊपर, पता नहीं 12 इंच उसकी वो थी बोर्ड, तो वो लड़की कपड़ा उतार रही थी ना, तो माता जी ने ना वो जैसे कपड़ा उतार रही थी, माता जी ने उसको वाइपर पकड़ा दिया, कपड़ा हाथ भी नहीं आया जी। तो माता जी ने वाइपर पकड़ाया लोहे का बड़ा वाला, वो उससे लड़की चिपक गई, फिर अम्मा उनको छुड़ाने के लिए चिपक गई तो अम्मा के भी चोट लगा, अम्मा भी गिर गई। अब बच्ची की और आपकी सासू माता की कैसी तबीयत है? आपकी सासू माता ठीक बता रही है। और बच्ची की तबीयत कैसी? बच्ची वहाँ पे है, वो आराम है, उनको GTP में है बच्ची। GTP। अच्छा, तो कोई कपड़ा गिरा था, कितने हजार की लाइन थी? 11,000 थी या ऐसे बता रहे हैं, 12,000 की लाइट बता रहे हैं। अच्छा, 12 इधर पप्पू कॉलोनी में थे, पी कॉलोनी में। लाल चश्मा घर मथुरा का एक जाना पहचाना ब्रांड जो लाया है त्योहारी सीजन में अपने ग्राहकों के लिए एक खास तोहफा। आप लाल चश्मा घर पर चुनिंदा ब्रांड के चश्मों पर और फ्रेम पर अपाइए 10% नहीं 20% नहीं पूरे 50% की छूट। ये ऑफर केवल सीमित समय तक के लिए ही मान्य है, तो आइए लाल चश्मा घर और उठाइए मौके का भरपूर फायदा। दिवाली में इस बार हम लोगों ने सबके लिए ब्रांड्स में अप टू 50% डिस्काउंट किया है, जितने भी अच्छे आपके ब्रांड्स हैं, रेबेन, वो
सब कुछ में। आप अगर आएंगे तो आपको काफ़ी अच्छे ऑफर्स मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स पे डिफरेंट डिफरेंट ऑफर्स हैं, तो आप आके उसका लाभ उठा सकते हैं।